बनासकांठाना वडगाम तालुकामां भाजप पक्ष द्वारा भाजप प्रदेश अध्यक्ष सी आर पाटिलनी अध्यक्षतामां विजय विश्वास सम्मेलन रखायुं हतुं, जेमां वडगामना पूर्व धारासभ्य मणिलाल वाघेला केसरियो खेस धारण करीने भाजपमां जोडाया हता। विधानसभानी चूंटणीओ नजीक आवता ज राजकारण गरमायुं छे अने अनेक नेताओ पक्ष पलटो करी रह्या छे, ત્યારે આજે બનાસકાંઠાના વડગામના મગરવાડા ખાતે ભાજપનું વિજય વિશ્વાસ સંમેલન રખાયું હતું, જ્યાં ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ સી આર પાટિલ મગરવાડા પહોંચ્યા હતા, જ્યાં તેમણે મણિવીર ભદ્રદાદાના દર્શન કર્યા હતા અને ત્યારબાદ મંદિર પરિસરમાં સી આર પાટિલની સુખડી તુલા કરાઈ હતી, જે બાદ સી આર પાટિલ વિજય વિશ્વાસ સંમેલનમાં પહોંચ્યા હતા, જ્યાં તેમણે વડગામના કોંગ્રેસના પૂર્વ ધારાસભ્ય મણિલાલ વાઘેલાને ભાજપનો કેસરિયો ખેસ પહેરાવી ભાજપમાં આવકાર્યા હતા। जो कि सी आर पाटिल विजय विश्वास सम्मेलन ने संबोधन कर्या वगर 5 मिनिट में ज मीडिया में कोईपण जातनी प्रतिक्रिया आप्या वगर रवाना थई गया हता। त्यारबाद भाजप में सामेल थयेल मणिलाल वाघेलाए ज कह्युं हतुं के वडगामनो विकास थाय ते माटे हुं भाजप में आव्यो छुं, मारे टिकिट बाबते कोई ज कमिटमेंट थयुं नथी, पार्टी जेने पण टिकिट आपशे तेने अमे जीताड़ीशुं। आजे आपणा यशस्वी प्रदेश प्रमुख माननीय सी आर पाटिल साहेब, जिला भाजपना आदरणीय प्रमुख श्री गुमानसिंह बापू, संगठनना तमाम होद्देदारों, आ विस्तारना बनासकांठा जिल्लाना भारतीय जनता पार्टी ना बने प्रभारी श्रीओ, एमनी हाजरी में आजे हूँ अपना वैश्विक नेता अने यशस्वी वडाप्रधान नरेन्द्र भाई मोदी साहेबनी आगेवानी में हूँ भारतीय जनता पार्टी में जोड़ाऊ छू। सामान्य रीते आ वडगामनी विधानसभा ए कांग्रेस की ए ग्रेडनी सीट, परंतु आ वक्त वडगामनी तमाम प्रजा अने आजे सैकड़ों कार्यकरो भारतीय जनता पार्टी में जोड़ाया छे अने आ वक्त टंकानी चोट ऊपर वडगाम विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीतवानी चाहिए।